बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, थैंक यू। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये है टाइम, हो रहा है अभी हेलो फैमिली, और कैसे हैं आप? आई होप आप खुश होंगे, हम भी बहुत हैप्पी है। और आज है हमारे लिए, आज हमारी गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग हमने आपके लिए की है, थोड़ा जल्दी बनाया है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 9:13 अर्ली मॉर्निंग, ये क्या कर रहे हो, कहाँ पर है? तैयार होकर कहाँ पहुँच गए? और सामने देखिए ये ट्रैफिक चल रहा है अपना, और ये सामने वाला जो गेट है ना, ये आप गाना बजाना है, मेरा फर्स्ट ब्लॉग यहीं पे बनाना है, तो बताना है ये कहाँ का गेट है। ये तालकटोरा गार्डन। और हम कहाँ हैं? हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन। तो हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, हमारी स्लॉट बुक हो चुका था। इन दिनों राष्ट्रपति भवन ओपन होता है विजिटर्स के लिए। आपको वहाँ पर जो देखने वाली चीज़ें होती हैं, म्यूजियम है और बहुत कुछ चीज़ें, तो इन दिनों ये ओपन होता है। तो हमारी बुकिंग यहाँ कंफर्म हो गई और हम लोगों ने सोचा कि हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर आए राष्ट्रपति भवन, 9:30 का टाइम था और हम इतने एक्साइटेड थे कि हम 9 बजे आकर बैठ गए। तो और इसने बताएंगे क्या, इसने मुझे है ना रोड कहाँ से क्रॉस कराई वो देख रहे हो, एक है ना फुट ब्रिज है पीछे, वो देखोगे इसने मुझसे रोड क्रॉस ऐसे करवाया क्योंकि पार्किंग सामने थी, मुझे गाड़ी सामने लगा के इधर आना था। हाँ, खुद ही बोल रहा था 9 बजे पहुँचना, 9 बजे पहुँचना। और ये गार्ड साहब ने, उन्होंने भी देख लिया कि हम कैसे क्रॉस किया, भागते हुए आए। तो वो भी कह रहे कि आप पंक्चुअल हो गए यहाँ पर टाइम के, कि वहाँ पर लिखा था कि 9 बजे आपको रिसेप्शन में पहुँचना है। रिसेप्शन पे हम तो पहुँच गए लेकिन रिसेप्शन वाले नहीं पहुँचे, वो कह रहे 9:30 तक आपने आना है, 9:30 पर आना है। तो हम भाई भागते भागते आ रहे थे और बट उन्होंने बोला कि नहीं अभी टाइम है, तो अब हम वेटिंग पे हैं। तो हम राष्ट्रपति भवन में आए हैं, बड़ी मुश्किलों से स्लॉट बुक हुआ है, बहुत टाइम से ट्राई करते हैं हो जाए। तो आज आपको एक्सप्लोर करते हैं राष्ट्रपति भवन, हमारे भारत का राष्ट्रपति जो हाउस है उसका। हमेशा की तरह पंगे लेने के लिए हम तैयार हैं, कितना कर पाते हैं भगवान जाने, कितना अलाउ है वो भी वही वाले जाने। जितना अलाउ हो सकेगा उतना आपको अपने देश का, पूरे भारत देश का जो राष्ट्रपति भवन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। उसका एक पोर्शन हम एक्सप्लोर करते हैं, पूरा तो नहीं, क्योंकि पूरा बहुत ही बड़ा, बहुत ही और अलाउ भी नहीं है। और पता नहीं वो जिसके लिए आए हैं वो भी अलाउ नहीं, ऐसे बोल रहे थे कि कर सकते हो, देखते कितना कर सकते हैं, कितना करने देंगे। तो मिलते हैं आपको अंदर। ये रहा, मैं उनका बताती हूँ, राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति म्यूजियम है वो 30 नंबर पे है और हम उसके एकदम बाहरी खड़े हैं, दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये 30 नंबर गेट है राष्ट्रपति भवन, एंट्री हो गई है यहाँ पर। ये रहा राष्ट्रपति भवन म्यूजियम और ये है रोड, मुझे नहीं पता इन्होंने, बहुत कुछ है यहाँ पर, अंदर आने पर ऐसा लग। ये सामने घंटाघर है, ये रहा घंटाघर और ये रहा डॉगी, अच्छा लग रहा है, फ्लफी है। ये डॉगी है, ये बहुत, ये भी इसका नाम भी मैक्स है। अब हम जा रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है, हम राष्ट्रपति भवन में घूम रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में घूम रहे हैं। सच में यहाँ पे ना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा बढ़िया सा है। राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में इस एरिया में अंदर स्कूल भी बना, हाँ, क्योंकि हमारी एंट्री होगी वहाँ पे, हमने बनाई नहीं, मे बी अलाउ ना हो। ये रेजिडेंट एरिया टाइप में लग रहा है कि यहाँ पर रहते हैं और उन्हीं का थोड़ा काम चल रहा है सबका, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है, ये शायद अलाउ है, तभी इतने मस्त तरीके से हम भी घूम रहे ऐसे। सच्ची में दिल्ली में ऐसी जगह भी है ना, दिल्ली में तो राष्ट्रपति भवन मतलब के अंदर है। हाँ, अंदर है और ना देखिए वो है ना, मतलब एक अलग ही दुनिया है, स्कूल भी है राष्ट्रपति भवन के। मैंने कहा ना राष्ट्रपति भवन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और यहाँ पे मस्जिद भी है, स्कूल भी है, कल्चर सेंटर भी है। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने बोर्ड पे अभी रीड किया है, ये देखिए यहाँ पे मस्जिद, स्कूल, कल्चर सेंटर, CBW, इलेक्ट,
मतलब है नारायण विथि के। हम नियर बाय आ गए संग्रहालय के, ये दिखाती हूँ मैं राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, तो जितना हो सका आपको दिखाएंगे। ये हमेशा की तरह आगे चलती है, इसे कोई मतलब नहीं है। एक संग्रहालय वो रहा, एक संग्रहालय ये रहा और एक संग्रहालय ये रहा, दोनों दिखाते हैं। यहाँ से एंट्री है, वाव क्या घोड़ा गाड़ी है, नेचुरल लग रही है, वो ब्लैक कलर है वो देखो। ओके वाव मर्सिडीज। हमारे अभी तक 1990 से लेकर 2012 तक जितने भी प्रेसिडेंट बने उन्होंने इस कार का इस्तेमाल किया। अरे बाप रे मजा आ गया, ऑसम ऑसम, माय गॉड ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ देखिए देखिए ये बग्गी, ये देखिए ये सुमन, इसमें सुमन में इधर बाहर की तरफ देखो, इधर देखो दूसरी तरफ, इधर 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 इधर, हाँ ऐसे, और इधर 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 इधर, उधर नहीं इस साइड, दूसरी साइड देखो अपने अपोजिट, हाँ यहाँ यहाँ बस। अब वेव्स करो, वेव करो, वेव करो, ओ माय गॉड, अरे बहुत आप पग्गी में बैठ गए। यस ये शमा की विश भी पूरी हो गई पग्गी में बैठने की। हाँ वाओ वाओ ये तो बहुत मस्त है। ये मॉडल है अपना राष्ट्रपति भवन में, ये सभी खड़े हैं यहाँ पर, डिस्कशन हो रहा है राष्ट्रपति भवन के लिए। ये रहा, ये आई थिंक हमें टूर लेना चाहिए। ये सुमन ये कुछ रविंद्रनाथ टैगोर जी पाल और बंगाल। हाँ हाँ ये बहिष्कार हुआ था अंग्रेजी कपड़ों का। हाँ स्वदेशी मूवमेंट, जब अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था कि अंग्रेजी कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगी, तो हमने कितने तरीके से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की है, लड़के भी प्यार से भी वैसे भी कोशिश की होगी। इनका अत्याचार हम पे हमेशा रहा। वाह क्या पिक है ना यार, सच्ची में देख रहे हैं, ओ माय गॉड, जलियांवाला बाग। हाँ ये जलियांवाला बाग का है दृश्य, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है वो तो सच्ची में। आज भी उसके बारे में अगर सोचे भी ना तो फील नॉट गुड और रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। नेहरू जी, थैंक यू नेहरू जी। हम होते लेकिन हम भी ऐसे ही होते। ये गांधी जी के साथ सत्याग्रह पे निकल गए लोग, हुई थी हाँ जब 50 साल हो गए थे ना। हमारे एक फ्रेंड है रानी, वो कस्तूरबा गांधी बनी थी। और मुझे गांधी जी बनाया था उसमें, और मेरी फ्रेंड थी रानी उसको कस्तूरबा गांधी बनाया था। आओ यार अगर दिल्ली में है तो आओ, बहुत अच्छा है राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम, दिल खुश हो गया।
15 अगस्त 1947 दिखाते हैं। ये पूरी जर्नी थी हमारी फ्रीडम की, आजादी की। तो यहाँ आके हम आजाद हुए। ये तो बहुत छोटा दिखाया कैसे कैसे शुरू, अलग ही फील है इन सब चीज़ों को देखने का ना। सीरियसली हम लोग अपनी लाइफ में बस बिजी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने का फील बहुत अच्छा है। कट है इसमें ही कला दिघी का दृप्या गैलरी, आर्ट गैलरी। थ्योरी ऑफ द टू नेशंस। इस गैलरी में एंटर करते ही हमने देखा द स्टोरी ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन की स्टोरी को बताया गया है कि पार्टीशन कैसे कैसे हुआ था। और यहाँ अगर हमें एक चीज़ पता चली कि उस टाइम भी कोई नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो। इसमें जगह जगह न्यूज़पेपर्स की कटिंग के थ्रू ये बताया गया है कि उस टाइम भी पार्टीशन की बहुत निंदा की गई थी कि ये पार्टीशन ना हो। और स्पेशली यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है कि इतिहास में इस पार्टीशन की निंदा होगी, विभाजन की निंदा होगी, आने वाले समय में इस पार्टीशन की निंदा होगी। और आज तक इस पार्टीशन की वजह से हम सब लोग पछता रहे हैं। और पार्टीशन के बाद क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था, और ये क्यों हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। आज भी लोग चाहते थे कि काश ना होता, और उस टाइम भी लोग चाह रहे थे कि काश ये नहीं होना था, पर ये हुआ। और यहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि ये सब चीज़ क्लियरली यहाँ बताई गई है कि उस पार्टीशन से कोई भी एग्री नहीं था, बट कुछ लोगों की वजह से उन ये पार्टीशन बस हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और उसके लिए आज भी सब लोग बहुत ज़्यादा, आज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन ये सब पाने के लिए ना बहुत कुछ पब्लिक नहीं चाहिए। यहाँ के तो इतना इमोशनल हो गए हैं, सच्ची में मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। मतलब लोग नहीं चाहते थे पाकिस्तान अलग हो, लेकिन फिर भी हुआ लोग नहीं चाहते थे। और उसके होते बहुत पैन, अब इसमें लिखा है आज़ादी के बाद 50 मुस्लिम मरे किसी वजह से, और उसके कुछ दिनों बाद ही 200 हिंदुओं को मारा गया। हिंदू मुस्लिम का पता नहीं क्यों है यार, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। इस गैलरी में घूम के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, दिमाग एकदम अजीब ही लेवल पर चला गया। थोड़ा सा बैड फील हो गया, मतलब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पढ़ते पढ़ते उस इमेजिनेशन में चले गए जहाँ पे ये सब हो रहा था। उस टाइम उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा ना, उनके बच्चे, मतलब बहुत थैंकफुल हमारे मिलिट्री के ऑफिसरों को, सभी को जिन्होंने आज हमारे देश को सिक्योर कर रखा है। सल्यूट दिल से। सितंबर 1947 में, ओ मेरे बर्थ वाले उस पे मंथ में। अब इसमें आप देखेंगे ये नई दिल्ली से थोड़ी दूर पहाड़गंज में दंगों के दौरान दुकान व फैशन एवं कनॉट सर्कल को भी लूट लिया। इसी में भी पहाड़गंज है, तो पहाड़गंज के लोगों को रिस्पेक्ट। अब हिस्ट्री चेंज हुई है, अब हिस्ट्री चेंज हुई है, पहले पहाड़गंज को लूटा गया था, पहाड़गंज वाले लूटते ये तो सही पहाड़गंज वाले लूटते हैं। संविधान, ओके ये अपने संविधान के है, संविधान के पेपर अपने भाग वन में क्या हुआ था तो टच नहीं कर सकते। और जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो ये उसकी एक इमेज, ये आई थिंक नेहरू जी और ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वाह, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के साइन है, जवाहरलाल नेहरू जी के भी हैं और भीमराव अंबेडकर जीपीटी का। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, फेवरेट डॉक्टर अब्दुल कलाम। ओके ये कुछ बता रहे हैं, ये देखिए ये बता रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मैं अपने सर को बोलना चाहती हूँ, सर प्लीज ये ट्रॉफी रखिए, हम जरूर अचीव करेंगे। राष्ट्रपति जी का कोट है, शायद किसी शपथ में वो पहनते होंगे, उनके निजी सामान में ये भी आता है, उनके स्लीपर्स, शूज, कैप्स, बुक्स, सब कुछ दिया हुआ है। नानक जी के जो सबसे बड़े सेवक थे, उनके मित्र थे, उनके साथी थे, ये उनका है,
ये तो महान, ये महान हिस्ट्री है, तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ये उनका है जो यहाँ पर संग्रहालय में बचा के रखा गया है, ये उनके। ये राष्ट्रपति जी शपथ लेते हुए, और ये कुछ ऐसा डिफरेंट है कि आप किसी भी एंगल से इसे देखेंगे तो आपको वो सेम नजर आएगा, ये किसी भी एंगल से आप देखिए। ये आज हमारी आज का विज्ञान है, ये मस्त सा, ये कुछ ऐसा है इसका एंगल। बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें, बहुत ही मस्त। यहाँ होता क्या है, कमरा तो अच्छा है पर होता क्या है, क्योंकि कैमरे भी लगे हुए। ये वो ग्रीनरी टाइप का था ना, मैंने सुना था 100 रुपए का सिक्का आने वाला है, 150 का सिक्का आने वाला है, और मैंने देख लिया, दिखाती हूँ आपको भी। 5 का तो है हमारे पास, 100 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नीचे समय, और इसमें अट्रैक्ट करने वाली चीज है ये शिकार। और उनकी पोशाक से उनकी बुक्स है, ये अच्छा लगा मुझे। ये तो जंगल है, बर्ड्स साउंड है। हाँ या बर्ड्स के साउंड भी हो रहे हैं, देखिए हर पेड़ पे ना कोई बर्ड्स बैठा हुआ है, उनके साउंड मोर। हम चुप रहते हैं और आपको सुनाते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे सेटअप है राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति जी का अध्ययन कक्ष। खड़ी हुई सेमिनार हॉल बंद है अभी, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं संगमरमर के उससे बनी हुई है। वो देखिए कितनी छोटी छोटी सी आती है ना स्टेप बाय झुक झुक झुक। हाथी दांत से बनी हुई चीजें सारी, वाओ। उइ ओ बेटा की जान, वो चाबियां, अबे यार, सेट ऑफ 6 डिफरेंट साइज मेटल की, सम ऑफ देम हैव द डेकोरेटिव डिजाइन, प्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, राष्ट्रपति भवन की ताले की चाबी है, पर ताले चेंज होते रहते, ये मत सोचना यहीं से निकल के ले जाओगे आप, उल्टा काम कोई नहीं करना। ओए शतरंज, ओए हो, ओए शतरंज के, ये तो रियल के वो बनाए हुए हाथी दांत के बने हुए हैं ना, यूज चीज बोन, 3D इफेक्ट। ये यहाँ -2 में जा रहे हैं, ये आ गई हमारी लिफ्ट, -2 में जा रहे हैं अब हम। अरे वाह।